जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से श्री हरि नाम महिमा अष्टकम पद रत्नाकर पाठ पद संख्या 608। जिस हरि नाम से जल में डूबता हुआ गजराज भी समस्त शोक से छूट गया, जिस हरि नाम के प्रभाव से श्री द्रौपदी जी का वस्त्र भी अनंत हो गया, जिस नाम के प्रताप से श्री नरसिंह मेहता जी के संपूर्ण कार्य बिना ही परिश्रम के सिद्ध हो गए, हे मनुष्य, उस श्री हरि नाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है? दूसरे को साथ लेकर डूबने वाले पत्थर भी जिस हरि नाम के स्पर्श से तर गए, शिवजी महाराज जिस नाम के प्रताप से जीवों पर कृपा करके भयानक विष पान कर गए, जिस हरि नाम के प्रताप से मीरा प्रभृति भक्तों के लिए घोर विष भी अमृत के समान हो गए, हे नर, उस श्री हरि नाम को छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण चाहता है? जिस श्री हरि नाम से कबीर जी तथा रैदास जी सिद्धों की श्रेणी में परम सम्माननीय महिमा वाले हो गए, जिस श्री कृष्ण नाम के प्रेमावेश से श्री चैतन्य भगवान को शरीर का भी ज्ञान जाता रहा, जो नाम प्रेमावेश में अपने श्री विग्रह को भी संभाल नहीं सके, निरंतर भगवत प्रेम और भगवत ध्यान जनित अद्भुत आनंद रस में ही मग्न रहते थे। हाँ, उस श्री हरि नाम को छोड़कर जीव को अपना कल्याण कैसे चाहता है? जिस श्री हरि नाम के अत्यंत अद्भुत प्रभाव से मृत्यु काल में हराम कहने वाला यवन भी भगवत पद को प्राप्त हो गया, जिसके प्रताप से मरा राम का उल्टा मंत्र का जप करके व्याध मुनिराज वाल्मीकि बन गए, जिस हरि नाम के प्रभाव से श्री प्रहलाद परम विपत्तियों के समूह से छूट गए, उस श्री हरि नाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है? जिस श्री हरि नाम के बिना मुनि ज्ञानी योगी और परम पंडित अभिमानी आदि भी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते, जिस हरि नाम के बिना विमुख जीव कृत धर्म धर्म आचरण भी अधर्म हो जाता है, उस हरि नाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है? जिस हरि नाम के आभास का यानी पुत्रोपचारित नारायण नाम का पुत्र स्नेह से उच्चारण करके अजामिल मुनिराज दुर्लभ भगवत पद को प्राप्त हो गया, श्री शेष जी पृथ्वी को धारण किए हुए भी निरंतर जिसके वर्णन में तत्पर रहते हैं, हाँ, उस श्री हरि नाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है? श्री शंकर भगवान की आज्ञा से जिस श्री हरि नाम का स्मरण करके काशी के अंदर मदिरा की भट्टी में पड़ा हुआ अग्नि भय भी चार पुरुष भी अग्नि भय से छूट गया, काशी में मरते हुए प्राणियों को जिस श्री हरि नाम का तारक मंत्र देकर श्री विश्वनाथ जी मुक्त कर देते हैं, हाँ, उस हरि नाम को छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण चाहता है? जिस मंगल में श्री राम नाम को पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज अपने शरीर में धारण करते हैं, जो श्री शंकर आदि का सर्व स्वरूप है, श्री गणेश जी को इष्ट फल का प्रदान करने वाला है एवं जो सर्व वेद रूप लता का सुंदर फल है, ऐसे श्री हरि नाम को छोड़कर हे नर, तू अपना कल्याण कैसे चाहता है? जय श्री राधे। सुखी देख नहीं तो होने जो तन मन को
अपनी मर्जी से। वन जीरो सिक्स नाइन 1069
पूज्य श्री राधा बाबा की, पूज्य मैया की, अपने प्यारे भैया की, पूज्य दादा की, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिओम। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। प्रहलाद जी आंखें मिला लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं पंडरपुर में दक्षिण के, वहाँ नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज और सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए हैं पंडरपुर में। बड़ी विचित्र उनकी वाणी है। वहाँ दक्षिण में चौखा मेला नाम के एक चमार थे। विठ्ठल 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 ऐसे भगवान का नाम जपते थे। पंडरपुर के पास ही एक मंगलवेड़ा गांव है, उसी गांव में वह रहते थे। वहां एक मकान बन रहा था, उस मकान में चौखा मेला काम करते थे। मजदूरी करके वह अपनी जीविका चलाते थे। अचानक वह मकान गिर पड़ा। मकान बहुत बड़ा था, गिर गया और चौखा मेला जी उसमें दब गए। उसके साथ कई आदमी दबकर मर गए। उनको उसमें से निकालने लगे तो निकालते निकालते कई महीने लग गए। उन सबको निकाला तो उनकी केवल हड्डियां पड़ी मिली। अब किसकी कौन सी हड्डियां हैं इसकी पहचान नहीं हो सकती। थोड़े दिनों में तो शरीर की पहचान भी हो जाए, अब चौखा मेला के हड्डियों की पहचान कैसे हो। तो शायद नामदेव जी ने कहा था कि भाई उनकी हड्डियों को कान में लगाकर देखो, जिसमें विठ्ठल विठ्ठल नाम की ध्वनि होती होगी वे हड्डियां चौखा मेला जी की पहचान है। कितने आश्चर्य की बात है, स्वामी जी कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है कि मरने के बाद भी हड्डियों से नाम निकलता है। भगवान का नाम लेते लेते भक्त नाम में ही हो जाते हैं। रहिए नाम में गलतान, बस सब लोग इसमें गल जाओ, नाम में तल्लीन हो जाओ। तत्परता से नाम लेने वाले ऐसे संत हुए हैं। आपने अर्जुन जी को भी सुना होगा कि अर्जुन जी के शरीर से भगवान का नाम निकलता था। एक दिन अर्जुन जी सो रहे थे और नींद में ही नाम जप हो रहा था। शरीर के रोम रोम से कृष्ण 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 का नाम जप हो रहा था। नाम को सुन करके भगवान श्री कृष्ण आ गए, उनकी पत्नियां भी आ गईं, नारद जी आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, देवता भी आ गए। भगवान शंकर नाम सुन करके नाचने लगे, नृत्य करने लगे। अर्जुन के तो बेहोशी में, गाढ़ नींद में भी रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता है। इसमें कारण यह है कि जिसका जो इष्ट होता है वह उसी का नाम जपता है, तो वह नाम भीतर बैठ करके रग रग में होने लगता है। हरि राम दास जी महाराज की वाणी में आता है, रग रग आरंभा भय अचंभा। संतों की वाणी आप लोग पढ़ते ही हो, उसमें आप लोग देखो ऐसा उनका भजन होने लगता है। क्यों भैया? उनकी लगन है, वे उसमें तल्लीन हो गए। मन बुद्धि इंद्रियां भगवान के नाम में लग गए, प्राण भगवान के नाम में लग गए, शरीर मात्र में नाम जप होने लगा। कितने महान पवित्र दिव्य उनके शरीर थे कि उनको याद करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। वे तो नाम रूप ही बन गए, भगवत स्वरूप बन गए। नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि भगवान और भगवान के जनों में भेद नहीं होता, क्योंकि वे उनके उस परमात्मा के अर्पित हो गए हैं।
जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगेगा, काला से काला कोयला आग में रख दो तो वह भी चमकने लगेगा, पत्थर का टुकड़ा आग में रख दो तो वह भी चमकने लगेगा, कुछ भी कंकर ठीकरी रख दो वे सब के सब चमकने लगते हैं आग में रख दिए जाएं। यह क्या है? यह आग का प्रभाव है। जब एक भौतिक वस्तु में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह काठ पत्थर आदि को चमका दे तो यह तो भगवान का नाम है, तो यह तो भगवान का नाम है। यह भौतिक नहीं है, यह तो दिव्य है। यह नाम महाराज चेतना को चेत करा देते हैं कि तू इधर ख्याल कर। आप लोगों में भी कोई नाम लेने वाला हो तो मैं मानता हूँ कि आपके ऐसे होता होगा कई बार जीवन में, आप सोते रहते हैं और गाढ़ नींद में तो राम ऐसी आवाज़ आती होगी उसे, आपको जगा देती है कि अरे नाम ले, सोता कैसे हैं। इस प्रकार नाम महाराज खुद जगाते हैं, नाम महाराज खुद चेत कराते हैं, स्वयं भगवान चेत कराते हैं। एक बड़े विरक्त संत हुए, वे नाम जपते थे, कौड़ी पैसा लेते नहीं थे, रखते नहीं थे और छूते भी नहीं थे। वे कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता है जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे कोई माँ उठाती हो, गर्दन के नीचे हाथ देकर चट उठा देते हैं, मेरे को पता ही नहीं लगता कि न जाने किसने मेरे को बैठा दिया। तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान करता हूँ आप में भी कोई नाम प्रेमी ऐसे होंगे, उनके साथ ऐसा होता होगा। इसमें कोई गृहस्थ का कारण नहीं है, ना ही कोई साधु का कारण है, कोई भाई का कारण नहीं, कोई बहन का कारण नहीं। कोई भी भाई बहन इसका जप करेंगे तो उसके जीवन में ये बात आएगी जरूर। कभी भगवान की आवाज़ आती है, कभी पाठ जप करते हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, मन में जपने की लगन है और आपको कहीं नींद आने लगेगी तो किवाड़ जोर से पटकने लगते हैं अपने आप, ये भगवान जगा रहे होते हैं साधक को। जैसे कोई हवा आ गई हो अथवा कोई हल्ला करेगा तो आपकी नींद खुल जाएगी, कोई अचानक ऐसा शब्द होगा तो चट नींद खुल जाएगी। यह तो नाम महाराज आपको चेताते हैं, भगवान चेत कराते हैं कि सोता कैसे है, पाठ पूरा कर ले। नाम जपते हो कि नींद ले रहे हो, भगवान बड़ी भारी मेहनत करके आपके ऊपर कृपा करके आपकी निगरानी रखते हैं। आप शरण हो तो जाओ एक बार, आप शरण हो तो जाओ एक बार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, देर का काम नहीं है, क्योंकि हो ही राम को नाम जप। तुम राम जी के होकर अर्थात मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं ऐसा संबंध जोड़ करके भगवान का नाम जपो। पर इसमें एक शर्त है कि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। संसार में जितने कुटुंबी हैं उनमें मेरा कोई नहीं है, ना धन संपत्ति मेरी है, ना कुटुंब परिवार ही मेरा है, अर्थात इनका सहारा न हो। अनन्य चेता सततम अनन्याश्चिंतयन तो माम, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं औरों का नहीं हूँ तथा मेरा और कोई नहीं है। ऐसा अपनापन करके साथ में फिर नाम जप हो तो कितनी बड़ी बात है, भगवान से हमारा अपनापन हो कि मैं आपका हूँ और फिर नाम जपा जाए तो इसका विलक्षण प्रभाव होता है और इस नाम जप का भगवान पे असर होता है, इस नाम का भगवान पे असर होता है। परंतु कईयों से संबंध रखते हैं, कईयों से संबंध रखते हैं, धन परिवार से संबंध रखते हैं और नाम लेते हैं तो नाम लेने की अपेक्षा है ना, सबसे संबंध रखते हैं तो ना लेने की अपेक्षा तो जैसे तैसे ले ही लिया जाए, जितना नाम लेते हैं उतना तो लाभ होगा ही, परंतु वह लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए था। जो लाभ सच्चे हृदय से अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर फिर नाम लेने वाले को होता है
वैसा नहीं होता। आखिरी में कहते हैं, हो ही राम को नाम जपी तुलसी तज कुसमाज। स्वामी जी कहते हैं कुसंग का त्याग करो। कुसंग क्या है? यह धन हमारा है, यह संपत्ति हमारी है, यह कुसंग है। जो धन के लोभी हैं, भोगों के कामी हैं, उनका संग कुसंग है। जो परमात्मा से विमुख है, उनका संग महान कुसंग है। जो कुसमाज है, उनसे बचो, नहीं तो महाराज थोड़ा सा कुसंग भी आपकी वृत्तियों को बदल सकता है। जितनी सत्संग में पावर है, उससे कम नहीं है कुसंग में पावर, हैं? उतनी कम नहीं है। कुसंग भी उतना ही खतरनाक है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनी आध। और यही उल्टा भी है, कुसंग में भी अगर आपने ऐसे लगा दिया तो ना जाने कब बुद्धि पलट जाए। अभी हमारा ये जो मन निर्णय दे रहा है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, सत्संग सुनना है, कीर्तन करना है, मन धाम में जाने की इच्छा रखता है, ये सब क्यों रखता है? क्योंकि हमारा संग अच्छा है। ना जाने किस समय हम कुसंग में पड़ जाएं तो ये सब वृत्तियाँ खत्म हो जाएंगी। मल्लू पीर सरकार एक बार सुना रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक सज्जन थे, वो वृंदावन में ही रहते थे, निरंतर भगवान नाम जप कीर्तन सत्संग, और मंदिरों में जाते, मंगला आरती अटेंड करते, कभी बरसाना जाते, कभी नंदगांव, सब जगह बिहारी जी की मंगला कर रहे हैं, सब जगह जाते थे। एक बार क्या हुआ, उनके किसी रिलेटिव में एक लड़के की तबीयत खराब हुई। तो जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनको किसी ने कहा कि भाई बम्बई ले जाओ इसे, बम्बई में अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ इलाज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब बम्बई चले गए, बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। और तो फिर वो बम्बई जम गई, बम्बई चले गए। कहाँ, यहाँ मंगला अटेंड करते थे, बरसाना जाते थे, पूज्य दादा को बना, बरसाना जाते थे, सब जगह मंगला अटेंड करते थे, भजन सत्संग था। उस लड़के को दिखाने के बहाने, जो भी संयोग बना हो, वे वहाँ से वृंदावन से चले गए उस लड़के को लेकर के बम्बई गए। तो वहाँ पर बम्बई में गए, वो लड़का धीरे धीरे स्वस्थ भी होने लगा। पर वहाँ का जो प्रभाव था, वो ऐसा प्रभाव था कि सारा ज्ञान धुल गया, सारी भक्ति धुल गई, सब कुछ धुल गया दिमाग से। और जब धुला तो महाराज जहाँ कहा करते थे भगवान सब कुछ है, भगवान से प्रेम करना चाहिए, अब सारी वृत्तियाँ हट गई भगवान से। ऐसा कुसंग का प्रभाव पड़ा। कोई कहता ना भैया भजन वगैरह करो, कोई गुरु भाई वगैरह कभी कह देते हैं उनसे, तो कहता अरे सब करके देखा हमने, हमने इतनी मंगला अटेंड कर ली श्री जी की, इतने नंदगांव में मंगला अटेंड करी, इतनी बिहारी जी की करी, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में, ऐसे बोलना शुरू कर दिया उन्होंने धीरे धीरे, और बिल्कुल विमुख होते चले गए। तो मलुकपीर सरकार कहते हैं कि बड़ा विलक्षण घटना घटी कि एक दिन भक्तमाली जी महाराज ने हमसे कहा, भक्तमाली जी महाराज ने स्वयं कहा कि उन सज्जन से मिलने बम्बई चलना है। महाराज जी ने कहा महाराज जी वो तो अब कुसंग में पड़कर बहुत विमुख हो गए और कोई भगवान से कोई ताल्लुक नहीं रह गया। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है मरीज अस्पताल तक नहीं जा पाता है तो डॉक्टर उसके घर तक चला जाता है, तो ऐसी बात है हम चलेंगे उसके पास। गए और महाराज उस सज्जन से बातचीत करी, आधे घंटे का सत्संग दिया, सारी वृत्तियां वैसी बना दी जैसी पहले थी, सारी वृत्तियां वैसे ही बना दी, और झोला बिस्तरा उठाया, कह रहे महाराज जी वृंदावन चल रहा हूँ मैं भी, वापस चल दिए। तो देखो संतों का, मेरे को तो ये बात बड़ी अच्छी लगी। मैं कहा हो सकता है मरीज ना आ पाए अस्पताल तक, तो डॉक्टर वहाँ पहुँच जाता है। सूतो हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो, तो गुरु जी जगा देते हैं। गुरु जी बढ़िया डॉक्टर हैं, सब चीज़ों का इलाज करते हैं। पट खुलेंगे। श्री राम जय जय राम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय
जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय जय श्री गोवर्धन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 माधव सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज जी कह रहे थे कि जरा सा कुसंग भी बुद्धि को पलट देने वाला होता है। आज हमारा जो ये मन निर्णय दे रहा है कि हमें भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, कभी भी ये कुसंग में पढ़कर जरा सा कुसंग भी घातक हो सकता है, आपको एकदम भगवान से विमुख कर देगा। लोग कहते हैं कि भगवत भजन में इतनी ताकत नहीं जो कुसंग इतना असर कर जाए, वह ताकत कुसंग में नहीं है भाई, प्रत्युत अपने भीतर में अनेक तरह के जो विरुद्ध संस्कार पड़े हुए हैं, भगवत भजन के विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, वे संस्कार कुसंग से उभर जाते हैं। अब हमारी जो वृत्तियां हैं, जैसे हम सत्संग में आते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, संकीर्तन करते, तो हमारे काम क्रोध मद लोभ ये ख़त्म नहीं होते, ये छिपकर बैठ जाते हैं भीतर, छिपकर भीतर बैठ जाते हैं, और जब इन्हें अनुकूलता प्राप्त होती है ना, तब ये उभर करके बाहर आते हैं, और जब ये उभर के बाहर आते हैं तो दुगने वेग से आते हैं, दुगने वेग से आते हैं। इसलिए साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि कुसंग में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि कुसंग को बल मिल जाता है। एक तो बाहर से कुसंग आया, एक हमारे भीतर बैठा हुआ था, तो दोनों मिलकर के बहुत तगड़ा काम करते हैं। फिर तो स्वामी जी कहते हैं इस वास्ते कुसंग का बड़ा असर पड़ता है, आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार नष्ट हो जाएंगे। कभी किसी कारण से कोई सज्जन कुसंग में पड़ भी जाए तो जैसे सांप की मणि होती है, उसको जहर नहीं लगता, वह तो जहर के ऊपर रखने से जहर का शोषण कर लेती है, पर वह खुद जहरीली नहीं होगी। इसी तरह से आप भजन में तल्लीन हो जाओगे, तदाकार हो जाओगे, तो फिर आपका मन नहीं बदलेगा, आपके ऊपर कुसंग का असर नहीं पड़ेगा, कारण कि आपके अंतःकरण में भगवत संबंधी संस्कार दृढ़ हो गए, प्रत्युत कुसंग पर आपका असर पड़ने लगेगा। अगर आप भजन करेंगे तो कुसंग पर आपका असर पड़ेगा, फिर भजन का असर पड़ेगा, परंतु इतनी शक्ति होने से पहले साधक को सावधान रहना चाहिए। इतना भजन करने से पहले, जब तक ऐसा भजन ना हो जाए कि आप कुसंग को मात दे दो, तब तक सावधान रहना है साधक। कुसंग का त्याग करके भगवान के होकर मस्ती से भगवान के नाम का जप करो, चलते फिरते उठते बैठते हर समय करो, इसमें जब मन लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है। मैंने एक सज्जन देखे, स्वामी जी कहते हैं मैंने एक सज्जन देखे, उनके सफ़ेद ही कपड़े थे, पर वे राम 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 करते रहते थे। जैसे चलते चलते कोई पीछे रह जाता है और फिर दौड़कर आ जाता है, इसी तरह से वे पहले धीरे धीरे राम 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 करते, फिर बड़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी करते थे। रात में भी उनके पास रहने का मेरा काम पड़ा, स्वामी रामसुदास जी महाराज कहते हैं रात में भी मेरा एक दो बार उनके पास रुकने का काम पड़ा, और दिन में भी नाम जपते थे वो और रात में भी जपते थे, हर समय ही राम 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 राम, भजन करते हैं तो राम राम राम, भोजन पाते हैं तो राम राम राम,
किसी समय जाकर देखें तो वे भगवान का नाम लेते हुए ही मिलते थे। ऐसी लगन लग जाए तो फिर नहीं छूटेगी, फिर हाथ की बात नहीं है कि आप भगवान के नाम को छोड़ दें। वह एक ऐसा विलक्षण रस है कि एक बार जो लग जाता है तो फिर वह लग ही जाएगा। परमात्मा तत्व संबंधी बातें हो, परमात्मा संबंधी नाम हो, भगवान की लीला हो, गुण हो, प्रभाव हो, रहस्य हो, भगवान का जो कुछ भी समझ में आ जाएगा उसको आप छोड़ सकोगे नहीं, उसको आप छोड़ सकोगे नहीं। भगवान कहते हैं, भगवान जीव को कभी भूलते नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। आगे हम कल सुनेंगे। इसमें एक संत हुए श्री स्वामिनी शरण जी, ब्रज के भक्तों में इनका चरित्र आता है। आप देखेंगे ब्रज के जितने भक्त हुए उनका नाम में अथाह प्रेम रहा है, नाम निष्ठ संत हुए। आज भी देखेंगे तो बंगाली लोग आपको मिलते हैं, कितने लोग हैं जो चुपचाप अपनी हरि नाम की माला लेते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, परिक्रमा लगाते रहते हैं, बरसाने में कहीं भी बैठ के। राधा कुंड पे आप देखिए कितनी माताएं भजन करती हैं, पूरा दिन उनके हाथ में माला रहती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महाराज जी कह रहे थे देखो नाम का उच्चारण शुद्ध भी नहीं करते हैं वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे बोलते हैं बंगाली लोग, कृष्णा कृष्णा। तो क्या भगवान कितना कितना नहीं समझते होंगे क्या, क्या उन्हें फल नहीं मिलता होगा? सब मिलता है भैया, होड़े राम बताओ ऐसे जपते हैं। तो भगवान सब समझते हैं महाराज। तो ब्रज के जितने संत हुए आप देखोगे नाम निष्ठ मिलेंगे आपको। हमने पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी का दर्शन किया है, उनके हाथ में जब पहली बार मैंने जब माला देखी थी तो मुझे बाबा की याद आई, पूज्य राधा बाबा की, कि मशीन की तरह नाम जब कैसे होता है। उनका हाथ ऐसे हिल रहा था तेज़ी से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ऐसा लग रहा था मशीन चला रखी है उन्होंने, इतनी तेज़ी से नाम जप करते थे। और कितने ही वर्षों तक उन्होंने लाखों लाखों नाम जप किया है। तो स्वामिनी शरण जी जो थे मोर कुटी बरसाना पर रह करके भजन करते थे। जिस समय स्वामी श्री भगवान दास जी तटिया स्थान में भजन करते थे उस समय बरसाने में श्री जी के मंदिर के निकट पहाड़ी की चोटी पर मोर कुटी नाम की एक छोटी सी कुटिया में श्री कृष्णदास जी के शिष्य और तटिया स्थान के महंत श्री राधा प्रसाद जी के प्रशिष्य श्री स्वामिनी शरण जी भजन करते थे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इस निर्जन कुटी में जिसके निकट जल की कोई व्यवस्था नहीं है और जो पक्की ईंटों की बनी होने के कारण चारों ओर पथरीली पहाड़ियों से घिरी है, गर्मी में भट्टी की तरह तपती है, वो कोई रह भी नहीं सकता वहां पर, इतनी गर्मी होती। पर इस कुटी के पीछे इस स्थान पर घटी श्यामा श्याम की एक मधुर लीला की स्मृति है जिसके कारण इसका नाम मोरकुटी पड़ा है। संभवतः वह मधुर स्मृति ही स्वामिनी शरण जी के मन और प्राण को शीतल कर उन्हें कुटी की तपन को सहन करने की शक्ति देती थी। वो जो लीला थी, वो लीला क्या थी? श्यामा जी ने एक मोर पाला, श्री राधा रानी ने उसे नृत्य की शिक्षा दी। एक दिन वे श्याम से बोली, प्यारे एक बात कहूँ करोगे? श्याम सुंदर ने कहा, नहीं करने का प्रश्न ही कहाँ है प्यारी जी, तुम तो मेरे मोर के साथ नृत्य करो, देखूं कौन अधिक अच्छा नृत्य करता है। ऐसा श्री जी ने कहा श्याम सुंदर से। श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा तो बतलाओ हमारे दोनों के बीच मध्यस्थ कौन होगा? तो कहा, मध्यस्थ होंगी ललिता जी। उन्होंने कहा, तू निष्पक्ष रहेगी? श्याम ने ललिता जी की ओर मुड़कर उनसे पूछा। उन्होंने कहा, ठीक है मैं तैयार हूं। श्याम ने अपनी फेंट कसते हुए कहा। श्यामा जी ने मोर पर अपना हस्तकमल रखा, हस्तकमल का स्पर्श पाते ही वह नाचने लगा। श्याम ने भी नाचना शुरू किया।
कोकिल ने अलापना और पपीहे ने सुर मिलाना शुरू कर दिया। मेघ गरज कर मृदंग बजाने लगे। दामिनी दमक दमक कर रजनी में दीप दिखाने लगी। तभी श्यामा ने नृत्य से रीझ श्याम को हंसते हंसते कंठ से लगा लिया। नाचत मोर संग श्याम, मुदित श्याम ही रिझावत। तैसे ही कोकिल अलापत, पपीहा देत सुर। तैसो ही मेघ गरज मृदंग बजावत, तैसे ही श्याम घटा निशी सोकारी। तैसे ही दामिनी कौंध दीप दिखावत, श्री हरिदास के स्वामी श्याम रीझ श्याम हसी कंठ लगावत। अब क्या हुआ है? नाचने लगे महाराज। पुबन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर ब्रज के किशोर तोपे दारू तृण तोर। ब्रज के किशोर तोपे दारू तृण तोर। ओ सुन मुरली की घोर मेरो चित भयो मोर। सोना मुरली की घोर मेरो चित भयो मोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर आली, नंद को किशोर कमल कली गोर